हैप्पी बर्थडे टू यू। तो ये जो है केक यूट्यूब फैमिली की तरफ से मैं खुद ही अपने आप को गिला देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग गाइस। इस व्लॉग के अंदर जो है ना गाइस, ये वाला व्लॉग बहुत ही स्पेशल और अमेजिंग और ब्यूटीफुल होने वाला है, क्योंकि इस व्लॉग के अंदर मैं आपको अपनी पूरी जो है ना बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाने वाला हूं। तो जी हां, इस वीडियो के अंदर पूरा जो है आपको बर्थडे सेलिब्रेशन डे दिखाऊंगा। उसके अंदर जितनी भी सारी सेलिब्रेशन होगी, वो जिस जगह पर जाएंगे वो पूरी जगह का जो है ना आपको इन शॉर्ट जो है जितना भी मैं जो है दिखा सकूँगा व्लॉग के अंदर, तो वो आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और जो है मज़ेदार होने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि आने वाली न्यू इन्फॉर्मेटिव को नई जो है वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुंच सके। तो गाइस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक आने वाली तमाम न्यू वीडियोज़ पहुँच सकें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ आपने बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करना है, ताकि आने वाली तमाम न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक बआसानी ईजिली पहुँच सके। सो मेरी जो बर्थडे की जो डेट है ना, वो है 11th of July। बट जो है ना 11th of July कल थी, तो हमने जो है ना कल सेलिब्रेशन कर ली थी, पर केक कटिंग नहीं किया था, तो कल जो है लेट हो गए थे हम काफ़ी ज़्यादा। तो हमने सोचा था कि अब जो है प्रॉपर नेक्स्ट डे जाकर, जो कि आज 12th of July हैगी, तो हमने सोचा था कि आज के दिन आके प्रॉपर जो है ना केक की कटिंग कर लेंगे। तो इसी वजह से जो है ना आज हम सिर्फ केक की कटिंग करने के लिए आए थे, पर हमने जो है सेलिब्रेशन कल करी थी घर पर, तो एक तरीके से डबल सेलिब्रेशन हो गई। कल घर पर भी हो गई और आज यहाँ पर भी कर ली। जिस जगह पर ये पूरी सेलिब्रेशन करने वाले हैं ना, वो एक पार्क हैगा, वो सिटी के अंदर ही, हमारे सिटी वेको के अंदर ही हैगा वो पार्क। और क्योंकि मैं जो है ना यूरोपियन स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन की सिटी वेको के अंदर रहता हूँ, तो ये जो पार्क हैगा ना, जहाँ पे हम पूरी जो है सेलिब्रेशन करेंगे ब्यूटीफुल सी, तो ये भी जो है हमारे सिटी के अंदर ही पार्क हैगा। तो हम यहीं पर ही जाएंगे और जो है वहाँ पर जाके पार्क में पूरी जो है सेलिब्रेशन करेंगे मेरी जो है बर्थडे डे की। आज जो है वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, मैं जो है आपको पूरा एक वेदर का भी लुक दिखाता हूँ कैसा हो रहा है। मौसम भी आज बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, और धूप भी जो है निकली हुई है, और बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा है। जो है ना मौसम भी बहुत ही प्यारा और जो है ना खूबसूरत मौसम हो रहा है, धूप निकली हुई है, और जो है ना बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है आज भी। जो है ना बहुत ही अच्छा जो है ना मौसम है, और टेम्परेचर भी बहुत ही अच्छा है। सो जो है ना मज़ा आएगा आज बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन के अंदर। तो अब जो है ना टाइम वेस्ट के बगैर आज की अपनी वीडियो शुरू करते हैं, तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आपने ये जो अभी इंट्रो देखा है ना, तो मैं जो है हम जब आ रहे थे तो मैं जल्दी के अंदर था, मैंने इंट्रो नहीं बनाया था। तो इसका जो आपने अभी इंट्रो देखा है ना, वो मैंने उसी पार्क के अंदर खड़े होकर बनाया, जहाँ पर जो है हमने सेलिब्रेशन करी है पूरे डे की। तो आप लोगों को मैंने कहा कि जो है ना इन्फॉर्म कर दूँ, बता दूँ कि जो है ना ये जो मैंने अभी आपको इंट्रो बना, जो आपने अभी देखा इंट्रो, ये मैंने उसी पार्क के अंदर खड़े होकर बनाया, जिस पार्क के अंदर पूरी जो है बर्थडे सेलिब्रेशन है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए फाइनली जो है जा रहे हैं, अभी मैं पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ, जो है बाकी सब जा चुके हैं कार की तरफ, अब मैं भी जो है पार्किंग की तरफ जा रहा हूँ कार की तरफ, फिर गाड़ी में बैठ के जो है जाएंगे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। जिस पार्क के अंदर जाएंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा किस पार्क के अंदर जाएंगे। तो फाइनली सब तैयार हो गए, अब जो है जा रहे हैं। शॉपर हैगा ना मेरे हाथ में, इसके अंदर जो है मैंने ट्राईपॉड रखा है ट्राईपॉड के अंदर, ताकि वहाँ पे आराम से जो है इजीली मोबाइल को होल्ड कर सकें और जो है ना वीडियो शूट कर सकें, तो कोई परेशानी नहीं हो, इसीलिए जो है मैंने ट्राईपॉड ले लिया। याद से वरना ये होता है चले जाते हैं और फिर जो है ट्राईपॉड जो है ना भूल जाते हैं। मेरे पीछे जो गाड़ी खड़ी हुई है ना, उसके अंदर जो है मैंने ईद का व्लॉग बनाया था, वो भी जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप जो है ईद का व्लॉग भी देख सकें। उसमें प्रॉपर जो है पूरा व्लॉग बनाया था ईद के फर्स्ट डे का, तो मैं उसका भी लिंक दे दूंगा, तो आप वो भी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। पर आज जो है हम दूसरी गाड़ी में जाएंगे, जिस गाड़ी के अंदर जाएंगे वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ किस गाड़ी में जाएंगे आज हम बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए। गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं आज, जो हम ये वाली ग्रे वाली गाड़ी के अंदर जो है जाएंगे और जो है सारी सेलिब्रेशन करेंगे, फिर उसके बाद जाके आज इस ग्रे वाली में जाएंगे। ईद वाला व्लॉग जो है वाला जो व्लॉग है वो ग्रीन कलर की गाड़ी थी जिसके अंदर हम गए थे, अब जो है आज जो है हम ग्रे वाली गाड़ी के अंदर जाएंगे। जो है सारे मेरा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से गाड़ी के अंदर जो है मैं बैठता हूँ, फिर उसके बाद जो है निकलते हैं। तो फाइनली जो है मैं भी गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया हूँ, अब जो है हम जा रहे हैं और जो है फाइनली जो है पार्क की तरफ जाना जो है शुरू कर दिया है। ये जो है ना रास्ते के अंदर आती है, ये बहुत बड़ी जो है ना 3 से 4 बिल्डिंग है, ये एक साथ बनी हुई है, ये सारी जो है न्यू कंस्ट्रक्शन है जो कि पीछे रही है। और साथ में जो है रोड पर जो है ना बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, ये जो व्यू आता है ना बहुत ही प्यारा और जो है ना खूबसूरत लगता है। ये जो आपको ग्रीनरी नज़र आ रही होगी, सारा जो है ये पीछे फॉरेस्ट दिख रहा है, इंशाल्लाह यहाँ पे भी जाके जो है ना कवर करेंगे पूरा जो है ब्लॉग बना के प्रॉपर। मैंने जो है अभी गाड़ी की विंडो का जो है ग्लास ऊपर कर दिया था, बहुत तेज़ हवा आ रही थी, बाहर से धूप पड़ रही थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो इसीलिए जो है अभी जो है विंडो का जो है ग्लास ऊपर कर दिया था, ताकि जो है हवा ना है तेज़, गाड़ी जो है बहुत स्पीड से चल रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा सही से भी आपको भी विंडो के अंदर से, तो इस वजह से जो है मैंने जो है गाड़ी की जो है विंडो का ग्लास ऊपर कर दिया था। लोगों को भी जो है
मैं थोड़ा सा बाहर का जो है व्यू दिखाता हूँ कि कैसा आ रहा है गाड़ी के अंदर बैठ कर। बैठ जा रहे हैं, इसके पीछे जो है सोसाइटी थी भी काफी बड़ी, अभी जो है पीछे चले गए, अभी जो है एक ब्रिज आ गया है। राउंड अबाउट के ऊपर जो है गाड़ी रोकी थी, अब जो है टर्न कर रहे हैं उस तरफ, क्योंकि टर्न लेंगे तो इस वजह से। गाड़ी के अंदर बैठे हुए होते हैं तो ये इन्जॉयमेंट होती है कि जो है आप बाहर का व्यू इन्जॉय कर रहे हो तो गाड़ी में बैठ के आराम से, तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी जो है रिफ्रेशमेंट हो जाती है। बस गाड़ी के अंदर बैठ के यही मज़ा आता है कि आप पहाड़ के जो है व्यू इन्जॉय करते रहे, जो ब्यूटीफुल से व्यूज आते रहते हैं। जिस पार्क के अंदर हम जा रहे हैं ना, वो पार्क सिटी के अंदर ही, इतनी ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम जो है जल्दी पहुंच जाएंगे। अब जैसे ही पार्क के अंदर पहुंच जाएंगे तब आप लोगों से मुलाकात होगी पार्क के अंदर पहुंच कर। हम भी जो है पहुंचने ही वाले हैं, हम जो है बहुत ही ज़्यादा जो है करीब होंगे पहुंचने वाले हैं, जल्दी जो है पहुंच जाएंगे। फाइनली जो है हम पार्क के अंदर पहुँच गए, गाड़ी जो है हमने पार्क कर दी, अब जो है अंदर चलते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं आगे का जो है किस तरीके से करना है सारा जो है सेटअप, देखते हैं और जो है सारी सेटिंग देखते हैं और देखते हैं कि क्या करना है, किस जगह पर जो है बैठना है, और जो है सारा सेटिंग का जो है सेटअप देखते हैं और फिर जो है इसके बाद सेलिब्रेशन जो है शुरू करते हैं। जो है ना बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत पार्क है, और इसके साथ ही एक बहुत बड़ी खूबसूरत सी झील भी है, तो इसी वजह से हम इसी पार्क के अंदर आए सेलिब्रेशन के लिए। तो मैं जो है बाकी सारे लोगों को देख रहा था कि वो कहाँ चले गए, तो वो मुझे नज़र आ गए, वो लोग भी आगे चले गए, मैं पीछे रह गया क्योंकि मैं व्लॉग कर रहा था इस वजह से। तो मैं भी अब जल्दी से जाता हूँ और फिर जो है उनके पास जाकर जो है बैठता हूँ। वो वहाँ पर बैठे हुए सारे जो है वो लोग जाकर वो बैठ भी गए, उन्होंने जगह भी देख ली है किस जगह पर बैठना है। मैं भी जो है जल्दी से जाता हूँ, जो है वहाँ पर बैठता हूँ। मौसम जो है बहुत ही प्यारा हो रहा है, हवा चल रही है यहाँ पर भी, और जो है बहुत ही जो है अच्छा लग रहा है, और जो है बेहतरीन लग रहा है मौसम जो है आज का। कल में तो जो है ना हमने सेलिब्रेशन कल कर ली थी, लेकिन कल जो है हमने खाना वगैरह खाया तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और जो है रात हो गई थी, तो फिर हमने सोचा कि केक हम जो है ना बाहर जाकर काटेंगे कल दिन के अंदर, तो इसी वजह से जो है आज हम यहाँ पर आए केक काटने के लिए। सो आमतौर पर तो ये होता है पहले जो है केक कटिंग होता है फिर उसके बाद सारे खाना खाते हैं, पर हमने कल क्या करा था, कल ज़्यादा लेट हो रहा था तो हम लोगों ने पहले खाना खा लिया था, उसके बाद सोचा था कि हम जो है केक काटेंगे, पर हमने खाना पहले खा लिया था और फिर केक बाद में काटने का प्लान किया, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो हमने सोचा कि अब जो है हम कल जाएंगे दिन के अंदर प्रॉपर, और जो है बाहर जाकर जो है ना केक कट कर लें। तो अब यहाँ पर केक कटिंग के लिए आए थे, तो मैंने बोला प्रॉपर व्लॉग बना लिया जाए और आप लोगों के साथ भी पूरा जो है बर्थडे का सेलिब्रेशन जो है सेलिब्रेट किया जाए। फाइनली जो है ना केक खोल के पूरा जो है उसका सेटअप कर लिया और जो है सारा जो है ना रख दिया है। अब मैं जो है आपको भी दिखाता हूँ कि केक कटिंग होने से पहले भी तो आपको दिखाया जाएगा केक का लुक कैसा है और कौन सा जो है ना केक है। केक देखने के बाद आपने मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर लाजमी बताना है कि आपको केक जो है ना कैसा लगा, केक का लुक कैसा था, और जो है केक दिखने में कैसा लग रहा था। तो केक जो है ना हमने यहाँ पर रख लिया था, केक का लुक ये हैगा, केक जो है हार्ट स्टाइल के अंदर हैगा और केक जो है वाइट कलर का है। तो इसकी जो है साइड हैंगे वो साइड इस तरीके से हैंगे केक के, और पूरा जो है दिल बना हुआ है केक के ऊपर, और एक जो है ये रोज़ रखा हुआ है इसके टॉप पर। सो केक जो है ये हैगा जो कि बर्थडे के लिए लाया गया है। Happy birthday to you, dear Sanan. Happy birthday to you. So finally जो है केक काट लिया अब मैं सबसे पहले। तो आप सब लोग जो मेरे को देख रहे हैं, आप सब लोगों की तरफ से जो है मैं अपने आपको खुद ही केक खिला देता हूँ, क्योंकि आप सब लोग तो मुझे केक खिला नहीं सकते, तो ये जो है केक YouTube फैमिली की तरफ से मैं खुद ही अपने आपको खिला देता हूँ। तो फाइनली जो है मैंने आप लोगों को पूरी केक की कटिंग दिखा दी, और जो है ये जो है मैंने केक की कटिंग कर ली है, और आप लोगों की तरफ से भी जो है मैंने केक खा लिया है, क्योंकि आप लोग तो देख रहे हैं अभी जो है आप लोग तो केक खिला नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने आप लोगों की तरफ से खुद ही से अपने आपको केक खिला दिया है। तो केक की जो है कटिंग हो गई है, अब जो है देखने के नेक्स्ट जो है क्या करना है स्टेप, फिर उसके बाद जो भी प्लान होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा जो है बताऊंगा अभी। तो अब जो है फाइनली जो है सब लोगों को जो है केक की कटिंग कर गई, अब जो है सबको केक भी मिल गया है, तो मुझे भी जो है केक मिल गया। हम जो है डिस्पोजिबल जो है प्लेट्स जो है और स्पून जो है हम अपने घर से लेकर आए थे केक खाने के लिए, अब जो है सबको जो है फाइनली जो है केक मिल गया, अब जो है केक खाते हैं, फिर उसके बाद जो है आप लोगों से जो है मैं मुलाकात करता हूँ। तो मैं जो है सबसे पहले केक खाता हूँ, फिर उसके बाद जो है आपको बताता हूँ कि जो है नेक्स्ट प्लान क्या है, हम जो है इसके बाद जो है क्या कर रहे हैं। तो मैं भी जो है जल्दी से केक खाता हूँ, फिर उसके बाद आपको जो है बाकी का दिखाता हूँ कि क्या है। ये जो हैंगे ये सबके गिफ्ट रखे हुए हैं जो कि मेरे को सबने दिए हैं, ये जो है ना सारे गिफ्ट हैंगे, ये दो ये हैं, और जो है ना ये शॉपरों के अंदर जो है गिफ्ट रखे हैं। तो फाइनली जो है सबसे जो है गिफ्ट भी मिल चुके हैं, और जो है मैंने जो है सबसे जो है गिफ्ट ले लिए हैं, अब जो है इन गिफ्ट को रखते हैं, और जो है मैं आपको जो है आगे का जो है सेक्शन दिखाता हूँ अपने जो है सेलिब्रेशन डे का।
अब जो है केक कटिंग भी हो गई और गिफ्ट भी सबसे मिल चुके हैं। अब मैं जो है जिस पार्क के अंदर हम आए ना, इसका आपको थोड़ा सा विजिट करवाता हूँ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क है, झील हैगी बहुत ही खूबसूरत, वो भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा और पार्क का भी कुछ हिस्सा जो है ना आपको विजिट करवाऊंगा इसी व्लॉग के अंदर। तो जो है चलते हैं और फिर जो है मैं आपको ये विजिट करवाता हूँ। और जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा फिर आपको कौन सा व्लॉग का पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा। ये वाला जो पार्क है ना, इसका मैं आपको एक प्रॉपर भी पूरा एक बड़ा जो है ना प्रॉपर व्लॉग दिखाऊंगा, उसके अंदर पूरा पार्क और प्रॉपर जो है ना ये लेक आपको विजिट करवाऊंगा। अभी जो है आपको एक छोटा सा जो है शॉर्ट व्यू दिखाता हूँ इसका, कि हम जिस पार्क के अंदर सेलिब्रेशन के लिए आएंगे कैसे। पर ये जो है ना बहुत बड़ा पार्क है और बहुत ही खूबसूरत है, तो मैं आपको ये प्रॉपर भी विजिट करवाऊंगा। अभी जो है आपको इन शॉर्ट छोटा सा जो है ना इसका ओवर जो है पूरा जो है इसका व्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ना ये हैगा। वो जो है ना सामने जो है जो आपको नजर आ रही है ना, ये बहुत बड़ी झील है। अभी जो है मैं करीब जाके दिखाऊंगा इसका पूरा व्यू कैसा हैगा। और ये पार्क भी बहुत दूर तक हैगा, काफ़ी बड़ा पार्क हैगा तो, और जो है ना बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क हैगा ये, जहाँ पर हम जो है ना सेलिब्रेशन के लिए आए। तो इसी वजह से तो ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये एक बहुत ही बड़ी और बहुत ये जो है ना बड़ी और बहुत खूबसूरत झील हैगी, और ये बहुत प्यारी झील हैगी और ये बहुत बहुत बड़ी है। सबके प्राइवेट जो है ना शिप्स खड़े हैं वहाँ पर, और ये जो है ना पूरी झील बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ी झील है ये। अच्छा, वो जो आपको एरिया नज़र आ रहा है ना, वहाँ पे से लोग ऊपर चढ़ते हैं जाकर और फिर जो है झील के अंदर जो है ना जंप करते हैं। ये जो है पूरी झील हैगी, और वो जो आपको लगा हुआ दिख रहा है ना, वहाँ पे लोग ऊपर चलते हैं, फ्लोर्स उस पर बने हुए, फिर उस पर से लोग नीचे जंप करते हैं। तो ये पूरी जो है ना ब्यूटीफुल सी झील है, और इसके साथ ही ये जो है ना आपको पूरा जो है नीचे का जो एरिया है ना, अच्छा वहाँ पर रेत रेत सी है ताकि जो बाहर आए तो वहीं पर सारा पानी रहे। और बाकी ये पार्क बहुत बड़ा पार्क है, तो ये बहुत बड़ा पार्क है, इसका एक आपको प्रॉपर व्लॉग भी दिखाऊंगा। पर अभी मैं आपको जो है इन शॉर्ट दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से रहेगा, क्या आपको ताकि पता चले कि जिस जगह पे वीडियो बना के लाए थे वो भी जो है सेलिब्रेशन जिस जगह करिए कितनी खूबसूरत जगह हैगी। तो ये जो हैगी हम उस जगह पर जो है बैठे हुए थे, वहाँ पर जो है सामान भी रखा हुआ है, और पार्क जो है ना ये है खूबसूरत सा। तो यहाँ पर आज काफ़ी रश हैगा और जो है काफ़ी सारे लोग भी आए हुए हैं। सो ये हैगा एक पार्क का जो है ना इन शॉर्ट व्यू जो कि मैंने आपको दिखाया है। सो ये है, अच्छा ये इतना बड़ा पार्क हैगा, लेकिन कहीं पर भी जो है ना आपको कोई किसी किस्म की गंदगी कचरा ये चीज़ें नहीं नज़र आएंगी। तो यहाँ पर जो लोग आते हैं ना, वो भी इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते हैं कि जो भी खाएं पिए अपनी या तो अपने पास ही जमा करके रखें और फिर जाते हुए फेंक दें, या फिर उसको प्रॉपर जो है मैनेजमेंट करके रखते हैं और जो है ना साफ़ रखने की कोशिश करते हैं लोग भी। इसी वजह से जो है पूरा पार्क है साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। आप ये जो पूरा पार्क देखें ना, आपको किसी किस्म की गंदगी कचरा कुछ नहीं नज़र आएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन नज़र आएगा। इवन जो झील के करीब वाला एरिया है ना, वहाँ पे भी आपको कोई गंदगी किसी किस्म की कचरा ये चीज़ें जो है नज़र नहीं आएंगी। तो अब जो है हम सारी चीज़ों से फारिग हो गए, पूरी डे की सेलिब्रेशन हो गई है, फाइनली जो है मैं पार्किंग की तरफ भी आ गया हूँ। अब जो है सारे गाड़ी के अंदर बैठ गए, अब जो है हम वापस घर पर जा रहे हैं। तो अब जो है मैं भी जो है गाड़ी में बैठता हूँ, फिर उसके बाद जो है घर निकलते हैं, तो आपसे जो है फिर अब मुलाकात होगी घर पर। फाइनली जो है सारे जो है गाड़ी के अंदर बैठ गए, अब जो है मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैं भी जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठता हूँ, फिर उसके बाद जो है हम घर की तरफ निकलते हैं। तो जल्दी से जो है मैं बैठता हूँ, फिर जो है हम निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली जो है हम घर पर पहुंच चुके हैं, गाड़ी भी पार्क कर दी है, सब उतर गए, अब जो है मैं भी उतर चुका हूं, और अब जो है वापस घर जा रहे हैं। और पापा ने जो है ना गाड़ी की चाबी मुझे दे दी थी, सारे उतर रहे थे, तो पापा ने कहा कि जो है ना गाड़ी लॉक कर आ जाओ, तो गाड़ी वगैरह जो है वो गाड़ी लॉक करने ही भूल गया, गाड़ी लॉक करता हूँ। उसके बाद जो है ना गाड़ी लॉक हो गई, अब जो है घर निकलता हूँ मैं भी। सो आज अच्छा मैंने ये जो है ना जो इसका एंड है ना वीडियो का, वो भी मैंने उसी पार्क के अंदर खड़े हो गई एंड जो है ना रिकॉर्ड कर लिया था। सो गाड़ी पार्क हो गई, अब मैं घर जा रहा हूँ, और अब आप जो है वीडियो का एंड देखिए, एंड जो है लाजमी देखिएगा, वो भी जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाया है। तो अब आप लोग जाइए और वीडियो का एंड देखिए। तो ये थी आज की मेरी वीडियो, इसके अंदर मैंने आपको पूरी अपनी जो है ना बर्थडे सेलिब्रेशन दिखाया, जिस पार्क में गए उसका भी इन शॉर्ट आपको जो है व्यू दिखाने की कोशिश करी, और जो है पूरी जो है सेलिब्रेशन के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब दिखाएं, घर से निकलने लेकर घर पे वापस पहुँचने तक पूरा जो है मैंने आपको सारी चीज़ें जो है ना दिखाने की कोशिश करी है। तो ये थी आज की वीडियो, अब जो है आपने कमेंट बॉक्स में बताना आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। सो आज के लिए इतना ही, तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे आपने लाइक करना है, फ्रेंड्स में शेयर करना है, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर देना है, ताकि जो है ना आप तक आने वाली तमाम न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी ईजिली आप तक बासानी पहुँच सके। सो गाइस अब जो है आज के लिए इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जो है दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।